तो अभी नहीं दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो लेकर आई हूँ लॉकडाउन शॉर्ट स्टोरी कॉमेडी वीडियो। तो इस वीडियो को आखिर तक के जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो हमारी गली का सीन है सीसीटीवी फुटेज का, तो आप इसको जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग की भाग, भाग की भाग, तुझे अबरार बाइकी का समय रिक्की, भाग जा, भाग, आ रहे हैं पीछे से, भाग बिकी ललुआ से थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो क्लिप कैसी लगी, और अब हम शुरू करते हैं एश और ब्रोक की स्टोरी। चलो, ब्रोक बोलता है एश आ जाओ यार, बहुत बोर हो गए, बाहर से तोड़े कर आते हैं। एश बोलते हैं अबे मजाक मत कर, पुलिस वाले बाहर खड़े, तुझे अच्छा खासा ठेलवा देंगे और डंडे मार के हमें भगाएंगे। ये तो नहीं आ रहा। ब्रोक बोलता है एश तू तो बहुत बड़ा डरपोक है। एश बोलता है मैं किसी से नहीं डरता, चल आ जाओ फिर। तो एश और ब्रोक के घर के बाहर दो पुलिस वाले खड़े होते हैं और एश और ब्रोक की बातें सुन रहे होते हैं। तो पुलिस वाला हवालदार बोलता है सर ये तो बाहर आने का प्लान बना रहे हैं। तो पुलिस वाले सर बोलते हैं चल अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, हम भी देखते हैं कैसे बाहर आते हैं ये लोग। तो इतने में ही पुलिस वाले के सायरन की आवाज़ आई, टीणो टीणो। तो एश ने बोला बेटा पुलिस आ गई, अब तू खुद भी पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा डंडों से। तो ब्रोक ने बोला अरे कोई पुलिस नहीं है, लोग ऐसे ही अपनी छतों पे से ना ये हायरन बजाते हैं ताकि हमें डराएं। तो जैसे ही ब्रोक ने पुलिस वाले को देखा वैसे ही दुम दबा के भाग गया और बोल रहा है भाग भाग भाग। तो एश ने बोला क्या भाग भाग, कोई पुलिस नहीं आई। तो एश ने जैसे पुलिस वाले को देखा तो वैसे ही उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन मोन एश ना एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गया। और पुलिस वाले ने बोला और बेटा उससे भागने की कोशिश कर रहा था, बाहर घूम रहा था, चल अब उस फिर उसको ना एक डंडे एक दो डंडे मारे एश को। तो उतने में ही मैं आ गया, मैंने बोला यहाँ क्या हो रहा है। तो पुलिस वाले ने बोला आपकी तारीफ, मैंने बोला कौन कर रहा है। तो पुलिस वाले ने बोला बेटक्कन कौन कौन है तू, मैंने बोला मैं आयुष हूँ आपको कोई शक। तो पुलिस वाले ने बोला नहीं नहीं। तो मैंने बोला यहाँ क्या हो रहा है। तो पुलिस वाले ने बोला यहाँ लोग डन चली है और ये दोनों बाहर घूम रहे हैं। और मैंने बोला ये तो एक ही दो तो नहीं है। तो पुलिस वाले ने बोला एक इसका साथी फरार हो गया है। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा। तो पुलिस वाले ने वैसे एश को एक डंडा लगाया। तो मैंने बोला पुलिस वाले सर इसको एक डंडा लगाया, इसने क्योंकि मास्क नहीं लगाया हुआ। तो पुलिस वाले ने एश को एक और डंडा लगाया और बोला पुलिस वाले ने इसका साथी खुद तो फरार हो गया है और इसको डंडे पड़वा रहा है। तो पुलिस वाले ने बोला अभी एक और काम बाकी है। तो मैंने बोला क्या। तो पुलिस वाले ने बोला अभी इसको मुर्गा भी बनाना है। मैंने बोला नहीं नहीं पुलिस वाले सर इसको मुर्गा नहीं बनाए, ये हमारा हीरो है, सबके सामने हीरो बन जाएगा अगर इसको मुर्गा बना दिया। तो पुलिस वाले ने बोला तो क्या हम पागल हैं, तो धूप में इन लोगों को डंडे मार मार के घर में भगा रहे हैं और ये लोग मान रहे नहीं है इनकी भलाई के लिए, और जो ये हमें हमारा भी टाइम खराब कर रहे हैं, क्या करें अब इनके साथ। तो मैंने बोला आप एक तो डंडे भी मार रहे हैं और ऊपर से मुर्गा भी बना रहे हैं, दवा ले देती हाथ में क्या करंट लगा कर आए अपने जो डंडे चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं। तो पुलिस वाले ने एक दो डंडे मुझे भी मार दिए फटाक फटाक। तो फिर मैंने बोला वाह भाई मुझे क्यों मारे। तो पुलिस वाले ने बोला तुमने भी मास्क नहीं लगाया और तुम भी बाहर घूम रहे हो, क्या कर रहे हो चलो घर में। मैंने बोला तो दोस्तों पुलिस वाले सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग भी ना मौके का फायदा उठा रहे हैं। पुलिस वाले अपने हाथों में करंट लगा कर आ गए और हमें ना ऐसी ऐसी जगह पे मार रहे हैं, अब क्या बताऊँ इतनी जोर जोर से, और एक तो मार भी रहे हैं और फिर मुर्गा भी बना रहे हैं, हमारे दवा व्यवस्थित कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये बात समझ गया हूँ कि थोड़े दिन मुझे घर में ही देखना है, क्योंकि मुझे डंडे और चप्पल मार कर समझाया गया है। तो दोस्तों
ये बात सही है कि जिंदगी आपकी जो है ना बहुत अहम चीज है और इसे संभाल कर रखें। और ये जो हो रहा है ना बिल्कुल हमारी भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन हम ये बात नहीं समझ रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद था आप तक के ये मैसेज पहुंचाना और आपको ये हमारी प्यारी कॉमेडी वीडियो दिखाना, कॉमेडी वीडियो जो कॉमेडी स्टोरी जो भी ये सब दिखाना। तो अब पुलिस वाले सर ने बोला चलो भग भग बंद करो घर में जल्दी। तो मैंने बोला चलो चल जल्दी जल्दी इस ब्रोक को तो बताते, दोनों मिलकर आज कुटेंगे ब्रोक को, हमें पिटवा रहा है खुद भाग गया। तो आखिर मैंने एक ही बात बोलूंगा फिर ठेटे सीटे लेफ्ट कर यार दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।